देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं इस तरह के मामलों पर, भारत एट नाइन में मैं बोल चुका हूं, चीख चुका हूं, चिल्ला चुका हूं, ताकि कुछ तो बदलाव आए। कई बार देश के रखवालों को, सियासतदानों को झकझोर चुका हूं, लेकिन फिर वही सब, वही दरिंदगी, वही हैवानियत, वही चेहरे और किरदार बदल कर मेरे सामने आ जाते हैं। और बेचारे आम लोग करें भी तो क्या करें, बैनर छपवा लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, गुड़िया, निर्भया, दामिनी जैसे नाम दे देते हैं। और आज एक बार फिर मुझे औरतनामा पढ़ना है, क्योंकि इसी समाज के बीच छोटी छोटी बच्चियां, ज्यादा उम्र की महिलाएं हो या नौजवान लड़कियां, सभी इन भेड़ियों की शिकार। और आज इसलिए आज एक बार फिर मुझे औरतनामा पढ़ना पड़ेगा, ताकि झकझोर सकूं उन जमीरों को जो बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं औरत है तो ये गलती होगी, वो गलती होगी, छोटे कपड़े पहने ही क्यों थे, देर रात बाहर गई ही क्यों थी। वैसे दर्शक, आज मैं ये सोचने से दुखी हूं कि किसी की मां, बहन, बेटी कहां महफूज है। कल मैं किसी बच्ची की लुटी हुई असमत के लिए भारत एट नाइन कर रहा था, कल से मैं दिल्ली की राबिया के लिए भारत एट नाइन कर रहा हूं। एक 21 साल की लड़की को उसी के जानने वाले लोगों ने अपना निशाना बनाया है, जहां मैं और आप रहते हैं इसी समाज में, जहां डायपर पहनने वाली एक बच्ची से लेकर अधेड़ उम्र की कोई औरत सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं। वैसे आप लोग चाहें तो इसे एक सामान्य सा समाज कह सकते हैं, लेकिन मैं लोगों की सोसाइटी को अगर वहशियों का शहर कह दूं और बदबूदार कह दूं, जहन्नुम कह दूं, तो क्या मैं गलत हूं? जहां ना बच्चियां महफूज हैं ना ही लड़कियां, जिसका दिल करे उठाओ, मारो, पीटो, हवस मिटाओ, या फिर मौत से बदतर जिंदगी दे दो उसे, जिंदा लाशें बना दो। मतलब आज से 11 दिन पहले फरीदाबाद के सूरजकुंड में रात में वो वहशी पना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब वो तो उन लोगों के साथ गई थी या ले जाई गई थी जिन्हें वो जानती थी। उन्हीं लोगों ने उसके साथ हैवानियत की, वो रोती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन फिर बेबस होकर छोड़ गई और पीछे छोड़ गई रोती बिलखती मां, बेबस पिता, भाई बहन। और सोचिए जब वो बदकिस्मत मां, वो बेबस पिता सिस्टम के पास पहुंचते हैं तो सिस्टम ने ये कहा कि ये तो हरियाणा का मामला है, वहां जाइए। हरियाणा के सिस्टम ने कहा आपका घर तो दिल्ली में है। बस तब से वो मां आंख में आंसू लिए रो रही है। मामलों में सैकड़ों पेच होते हैं और इस मामलों में तो लाखों पेच। और आपको मैं बता दूं कि इस मामले में साजिश की ऐसी बू आ रही है जो हर कोई समझ सकता है और देख सकता है। इसी मामले को लेकर एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, उस रिकॉर्डिंग को जरा सुनिए और आपकी समझ में आएगा कि राबिया के खिलाफ कैसी साजिश चल रही थी, राबिया को जिन लोगों ने मौत के घाट उतारा है वो लोग कौन थे। ये कॉल रिकॉर्डिंग उस रात की है जब मां और पापा राबिया के रात में दर दर भटक रहे थे और ढूंढ रहे थे अपनी बच्ची को। तब वो उसकी एक सहेली के घर पहुंचते हैं और उनकी सहेली राबिया के दफ्तर में साथ काम करने वाली एक लड़की को फोन करती है और वो लड़की क्या कुछ बातचीत करती है उससे बहुत कुछ निकल कर सामने आता है। आप ये रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो हेलो नेहा, मम्मी से कुछ सुनो। हाँ, मुझे पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा। हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है देखने का फोन में। किसका ये फोन? देखो रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है मेरा ये जिसे बात कर। हेलो हेलो। हाँ, रावे की मम्मी बोल दो ना आप। अरे नहीं नहीं, अच्छा रावे की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो इसमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है। ठीक है, नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी आप। हेलो हेलो। हाँ आंटी सुनो, तो जो हमारे सर थे ना मेरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है। ठीक है, तो राबिया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी अभी शायद उनको शायद पूछताछ कर राबिया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम की
शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया आंटी, जहाँ पे हो गया मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ पे। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मेरा सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ के उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा हाँ, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी, मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास उनका नंबर? हाँ, इसीलिए राबिया को लेके गए हैं फिर वो। मेरा सर नहीं लेके गए हैं, कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, सभी ये बात कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रही। अच्छा, तो पर्सन बात चल रही है उन लड़कियों से जो साथ में है। हेलो आंटी। हाँ जी, निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? निजाम से वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद, स्विच ऑफ आ रही है बाबू उनका भी नंबर। घर में मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके घर किसी का है तो बताओ फिर, मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, यार टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। खुद भी, अरे आंटी मैम मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैम। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी। हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस बजे किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी, इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं ड्यूटी पर, मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो इतनी बात हो नहीं पाई मेरी। आप एक काम करो आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा परेशान की तो बात है बाबू, आप में आऊँ मैं कहाँ पर, आप नेहा कहाँ पर हो? हाँ बेटा नेहा। तो आज ये सोचने का दिन है कि क्या कुछ हो रहा है, आज ये सोचने का दिन है कि हम कैसे समाज में रहते हैं, आज ये सब कुछ सोचने का दिन है और ये हाई टाइम है। क्योंकि इस वक्त अगर नहीं सोचेंगे तो फिर ये समाज भेड़ियों से भर जाएगा। क्योंकि ये घटनाएं मात्र ये कहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते कि जानवर है, ये तो जानवर है, ये तो जानवर थे, ये तो जानवर हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। ये जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर भी इतने बेदिल नहीं होते, ये भेड़िए हैं। और समाज में इन भेड़ियों को चिन्हित करने का आज दिन है। अब हम रुक नहीं सकते, क्योंकि कब तक दर्शकों, कब तक आप नाम देंगे, कब तक आप तरह तरह की चीजों को अलग रूप से बढ़ाते रहेंगे? कैंडल मार्च कब तक निकालेंगे? जब तक आपकी कैंडलें पिघल कर दम नहीं तोड़ देती क्या तब? क्योंकि जब तक इस तरीके की चीजों पर एक ठोस कानून नहीं बनता, तब तक इस तरह की चीजों को रुकने के लिए भी संयम नहीं मिलेगा।
निर्भया कांड के बाद हमने सोचा था कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं ठहरती नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसे। और ऐसे में ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि क्यों, आखिर क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम सब लोग मौन रहे। मैं बात कर रहा हूं मीडिया बिरादरी की। नेशनल मीडिया पर राबिया का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं समझा गया। नेशनल मीडिया को लगता है कि अफगानिस्तान की महिलाओं की सुरक्षा उनकी देश की महिलाओं की सुरक्षा से बढ़कर है, तभी तो राबिया का किसी को ख्याल नहीं, तभी तो राबिया के घर कोई रिपोर्टर नहीं पहुंचा। लोग पहुंचे, रिपोर्टर पहुंचाए गए हैं, रिपोर्टर अफगानिस्तान पहुंचाए गए, रिपोर्टर महापंचायत में पहुंचाए गए हैं, रिपोर्टर लखनऊ पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, देहरादून पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ सियासत को कवर करते हैं, क्योंकि राबिया की घटना उन खबरनवीसों को किसी तरीके के पैसों का आराम नहीं देती, शायद तभी वो चुप। लेकिन राबिया के घर वाले, राबिया के समर्थक, राबिया के चाहने वाले और राबिया को प्यार करने वालों के लिए मेरा एक मैसेज है कि मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं और पीछे बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि राबिया अगर आज जिंदा होती तो वो क्या कुछ कहती, वो जो कुछ कहती वो इस पैकेज के जरिए आप जरा देखिए। मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। हर किसी की तरह मुझे भी जिंदगी से बेहद प्यार था। मेरे माँ बाप थे, भाई बहन थे, हंसता खेलता परिवार था। सिविल डिफेंस में मेरी नौकरी लगी महज 4 महीने ही हुए थे और मैंने पापा से वादा किया था कि मैं एक बड़ी अफसर बनकर दिखाऊंगी। बस इतनी सी दुनिया थी मेरी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। 26 अगस्त की उस रात मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनसे दया की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उनसे लड़ी, बहुत लड़ी, जितनी शरीर में ताकत थी उतना लड़ी, लेकिन आखिर कब तक लड़ पाती। मेरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, दर्द से कराह रही थी मैं, लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो मुझे मारते रहे, पीटते रहे और मैं बस बेबस सब कुछ सहती रही। आंखों से सरकते आंसू बस यही सोच रहे थे कि माँ आ जाओ ना, पापा बचा लो ना, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आया। और अब आप मुझे कोई भी नाम दे दीजिए, मुझे गुड़िया कह लीजिए, मुझे निर्भया कह लीजिए, मुझे दिल्ली की दामिनी कह लीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन जरा सोचिए, मैं थी तो आपकी बेटी ही ना। यू नोच रहा था, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो आपके ही समाज का हिस्सा थी, मैं भी तो एक बेटी थी। मैं सिविल डिफेंस के दफ्तर में काम करती थी, सुबह 11 बजे घर से निकलती थी और रात को आखिरी 8:30 तक घर आ जाती थी। 26 अगस्त को भी आम सुबह थी, मैं 11 बजे ही घर से निकली थी, लेकिन उस सुबह की कभी शाम नहीं हुई, बस एक काली रात आई जिसमें मुझे दरिंदे नोच रहे थे, मेरे माँ पापा दर दर भटक रहे थे, मेरा भाई था जो परेशान था, मेरी बहन थी जो घबरा रही थी, और मेरी आंखों के सामने आते आंसू उजाले को धुंधला रहे थे, और वो धुंधलापन कभी खत्म नहीं हुआ, मेरी सांसें खत्म हो गई, आंसू तो अब भी बह रहे हैं, उस वक्त मेरी आंखों से और इस वक्त मुझसे प्यार करने वालों की आंखों में, मेरे माँ बाप की आंखों से निकलते आंसू मेरे साथ हुई हैवानियत के दस्तावेज हैं। हो सके तो इन्हें संभाल कर कानून को दिखा देना और कुछ मत कहना। मैंने बहुत चीख कर देख लिया था,
मैं जिनके साथ उस रात गई थी उन्हें जानती थी मैं या शायद नहीं जानती थी। मैंने तो बस भरोसा किया था, इंसानियत पर भरोसा, लेकिन वो हैवान निकले। इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? मैं अब इस दुनिया जहां में तो नहीं, लेकिन उस रात को सोचकर सिहर जाती हूँ। मैं रो रही थी, मेरे अंग बुरी तरह से जख्मी थे, खून भी निकल रहा था। मैं तड़प रही थी और वो हंस रहे थे। मैं करहा रही थी और वो ठहाके लगा रहे थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं था, वो मेरे शरीर को बस नोचते जा रहे थे और जो जी में आया कर रहे थे। मैं हर बार उठती, हर बार लड़ती, हर बार गिरती, मैं हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वो दरिंदे थे, उन पर हवस का खून सवार था। वो जानवर बन चुके थे, शायद नहीं, क्योंकि जानवर इतने बेदिल नहीं होते। वो भेड़िये थे, भेड़िये। उन भेड़ियों ने मेरे शरीर को तार तार कर दिया। मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मेरे शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी मैं जिंदगी की जिद लिए बैठी थी। मैं जीना चाहती थी, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी मौत के बाद कानून के ठेकेदार कहेंगे कि राबिया तुम रहती यहाँ हो और तुम्हारे साथ जो हुआ वो सीमा के उस पार हुआ, तो तुम वहां जाओ। दिल तोड़ दिया तुमने दिल्ली, रुला दिया तुम दो राज्यों के इस बेहया नाटक ने मुझे। चलो मैं शांत हो चुकी हूँ, तुम शांत मत होना। मैंने जो सहा तुम मत सहना, तुम बदलाव लाओगी, मेरी मौत के सहारे ही सही वो काली रात फिर ना आने पाए। मेरी कहानी यहीं तक थी, उस रात की कभी सुबह न थी। आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है उसके यहाँ से चाकू घोपा गया है मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियाँ यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे, मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीतरी होगी, आप लोग खुद देखिए क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, या कि मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। चार दिन हो चुके हैं, पाँच दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने एक तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आई हुई कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, अब जो है उसका मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी। उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया। ठीक है, लेकिन आगे अभी कुछ नहीं पहुंची है, वहाँ का वहाँ ही है सब केस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जब आते हैं यथा पक्के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे साथ रहने से क्या होता है, हमें बैठाते साथ लेके जाते, मेरे केस को तहकीकात करते, आगे बढ़वाते। बताओ अब लइए थुराइना कि लड़का सिलेंडर हो गया तो उसके मतलब जो है मुझे पूरी टीम पर हाथ है, पूरी टीम का ही हाथ है ये, कितना भी स्टाफ। लड़के का जो है वो पूरा डाउट है कि वो लड़के को तो खाली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसको खामखा आरोपी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो हरियाणा, असल में वो कहानी ये है, एफआईआर के ऊपर क्या कह रहे हैं?
हरियाणा पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है, उन्होंने ये कह दिया कि कल लड़का आएगा रिमांड पे लेंगे तो तब वो कर देंगे, वो तो पुलिस तो पैसा खा कर बैठ गई है तो वो रिमांड पे भी क्या लेंगे। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का तो कोई नहीं, दिल्ली की पुलिस ये कह रही है वहाँ का कैसे वहाँ निपटाओ, तो ये थोड़ा ये कि लड़की का मर्डर किया दिल्ली में अब फेंक दिया बिहार में, तो मतलब बिहार दिल्ली से बिहार लड़ने के लिए जाएंगे, आप ये बताइए क्या मांग करते हैं कि केस ट्रांसफर किया जाए, केस से दिल्ली लाया जाए, केस दिल्ली लाया जाए, सीबीआई की जांच होवे और उसको फांसी पर लटकाया जाए। हम अब इतनी है अभी हमारी कोई भी सरकार तो है कोई अभी साथ नहीं दे रही है सरकार, हमें हिम्मत बढ़कर आगे आए इसमें और सम्मिलित हो सकते हैं, पूरा स्टाफ है जी इनका। तो राबिया की आवाज़ सुनी आपने, राबिया अगर होगी तो कहीं सोच रही होगी और यही कुछ सोच रही होगी जिसको हमने पैकेज के रूप में आपके सामने उकेरा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब हमने आपके सामने अगर उकेरा है तो सरकार की आंखों पे पट्टी क्यों बनी हुई है, क्यों, क्या वो कानून है? कानून की आंखों में पट्टी होती है तो क्या सरकार की आंखों में भी पट्टी होना मुनासिब हो सकता है? ये सब सोचने की बात है, लेकिन ये बात भी सोचने के लिए है कि दिल्ली जो कि देश की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है, पुलिस सो रही है क्या? इसके साथ ही सिस्टम पर जब हम चोट करने का प्रयास करते हैं, जब हम उसको सुधारने की कोशिशें करते हैं, तब सूरजकुंड थाने की पुलिस जैसे कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तब संगम बिहार की पुलिस जैसे कुछ लोग सामने आ जाते हैं जो हमको बताते हैं कि नहीं, अभी सिस्टम नहीं बदला है, अभी इसमें ऐसे सैकड़ों पेच हैं जो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। राबिया के मामले में भी साफ साफ ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं लाजपत नगर का डीएम ऑफिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन इसके बावजूद ना तो पुलिस की तरफ से कोई प्रयास किया जाता है, ना तो पुलिस की तरफ से कोई रिमांड पे लिया जाता है, और जबकि सीधे सीधे राबिया की मां कहती है कि इसमें डीएम खुद इन्वॉल्व है, राबिया की मां कहती है कि डीएम ऑफिस के लोग इन्वॉल्व हैं, और जो रिकॉर्डिंग आज हमने सुनाई है उससे भी साफ साबित होता है कि बहुत बड़ा पेच है, बहुत बड़ी साजिश की गई उस बच्ची के खिलाफ। लेकिन हम रुकने वाले नहीं, जो लोग इंसाफ के इस लड़ाई में जुड़ना चाहते हैं, साथ हैं और हमारे साथ कदम ताल करके राबिया के हत्यारों को फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते जाएं, क्योंकि अब इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इस लड़ाई को मैं ठहरने नहीं दूंगा, इस लड़ाई को अब बहुत आगे ले जाया जाएगा, और इस लड़ाई का जो आखिरी मुकाम होगा वो ये होगा कि राबिया तुम्हारे हत्यारों को, तुम्हारे साथ दरिंदगी करने वालों को हवा में लटकाएंगे, और उन लटकती हवाओं में जब वो आखिरी सांस ले रहे होंगे तब सोचेंगे कि वो उन भेड़ियों ने क्या कुछ गलत किया। राबिया तुम्हारे साथ न्याय होगा और एक भाई का तुम्हारे लिए वादा है। लगातार मुहिम चालू है, लगातार मुहिम जारी है और लगातार मुहिम चल रही है, जब तक राबिया के हत्यारों को उनके सही ठिकाने जहन्नुम के पते तक न पहुंचा दिया जाए। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक बने रहिएगा आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, और बाकी भारत एट नाइन से जुड़ने के लिए लगातार आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, मैं इन पर सब पर खुलकर एक दिन बात करूंगा। शुक्रिया।